नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके कंप्यूटर टेक चैनल पर। दोस्तों, मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप मैट्रिक देने वाले हैं, मैट्रिक का छात्र हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है मैट्रिक वो का छात्र के लिए। तो देखिए, जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए जेक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा आपका उद्देश्य होता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले मैट्रिक रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, जो 2020 में मैट्रिक परीक्षा होने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए देखिए है इस वीडियो, वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैट्रिक परीक्षा 2020 के लिए कल से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। कल यानी कि 18 दिसंबर से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो देखिए आगे क्या अपडेट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानकारी को लेते हैं। जेक ने मैट्रिक परीक्षार्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी है। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन फॉर्म 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक भरा जाएगा। देखिए, आपका फॉर्म 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक भरा जाएगा, जबकि बैंक चालान के माध्यम से शुल्क 8 जनवरी तक जमा लिया जाएगा। विलम्ब शुल्क के साथ अगर आप देरी कर देते हैं तो आपके फॉर्म के साथ देखिए एक्स्ट्रा फी लगेगा। साथ ही साथ फॉर्म आपको कब तक विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना होगा, इसका भी जानकारी दिया गया है। तो देखिए, 8 जनवरी से विलम्ब शुल्क के साथ 13 जनवरी तक भरे जाएंगे, जबकि बैंक चालान के माध्यम से 15 जनवरी तक भरा जाएगा। देखिए, अगर बैंक चालान के माध्यम से आपको भरा जाएगा तो देखिए 15 जनवरी तक आप लेट फाइन के साथ जमा कर सकते हैं। काउंसिल द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक 2020 के लिए परीक्षार्थियों का आवेदन पत्र काउंसिल के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपको वेबसाइट ऑनलाइन जेक बोर्ड का वेबसाइट है, जो ऑनलाइन भरा जाएगा आपका फॉर्म मैट्रिक का, आपको या स्कूल से ही भरा जाएगा, तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, कल से आपकी फॉर्म भरा जाएगा, तो आप अपना स्कूल में जाएँ, जिन छात्र छात्राएं वो स्कूल नहीं जा रहे उन छात्र छात्राओं के लिए खास करके ये वीडियो उन सब तक पहुंचा दे, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो अपना फॉर्म भर सके। 2018 से 20 तक के पंजीयन स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका यूजर आईडी और पासवर्ड स्कूल में दिया गया है, आप वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके शिक्षक भर देंगे फॉर्म आपको, तो आप वहाँ से जाके फॉर्म भरवा लें और आप मैट्रिक के परीक्षा में बैठ पाएंगे। 2020 में मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने ले जितने भी छात्र छात्राएं, आप अपना फॉर्म भर ले। कक्षा 9 के अंक पत्र में भी बदलाव किया गया है, तो इसका भी जानकारी हम अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो भी जान सके कि आपका फॉर्म कब से कब भरा जा रहा है। जी हाँ, आपका फॉर्म 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क का भरा जा रहा है, तो आप अपना फॉर्म भर लें जल्द से जल्द। और जिन्हें विलंब शुल्क के साथ जमा करना, उनका देखिए 8 जनवरी से 13 जनवरी तक लिया जा रहा है, तो आप विलंब शुल्क ना दें, आप अपना फॉर्म पहले ही भर लें। तो अगला जैसे कोई जानकारी निकलेगी तो हम इस चैनल पे अपलोड कर देंगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख लें, जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतने, जय हिंद, वंदे मातरम।